झांसी जनपद के मोट तहसील प्रांगण में आज भारतीय किसान यूनियन के चिरगांव ब्लॉक अध्यक्ष ने किसानों ने धरना देते हुए जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है, जिसमें ब्लॉक अध्यक्ष ने जानकारी देते हुए बताया कि हम किसान लोग धरना दे रहे हैं कि बरसात ज्यादा होने के कारण हमारी तीन मूंगफली और धान की फसलें नष्ट हो चुकी है। कर्ज लेकर के हम लोगों ने जो बोई थी, अब फसलें पूर्ण रूप से बर्बाद हो चुकी हैं। आज किसान पूरी तरह से कर्ज में फंस चुके हैं, इसलिए किसानों ने मांग की है कि उनका प्लाट टू प्लाट सर्वे कराकर मुआवजा दिलाया जाए। और खासकर बीमा को लेकर भी उन्होंने बताया कि बीमा तो किसानों का काट लिया जाता है, लेकिन बीमा उन्हें दिया नहीं जाता, जिसको लेकर वह आज उप जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंप रहे हैं। क्या नाम है आपका? ब्रजेंद्र कुमार उपाध्याय। कौन है आप? क्या पता है आपको? भारतीय किसान यूनियन चिरगांव ब्लॉक अध्यक्ष। अच्छा, क्या मांगे लेके धरना प्रदर्शन? हाँ, हमारी मांगे ये हैं कि हमारे किसानों की बरसात ज़्यादा होने से हमारे किसानों की फसल तिली उर्द मूंगफली और धान की फसल बर्बाद हो चुकी है, जिससे किसानों ने कर्ज लिया था और लेकर के वो बीज लिया था, खाद लिया था, वो अपने कर्ज तले आ गए हैं बुरी तरह से, उनको खाने तक के लिए मोहताज है। इसलिए हमारा प्लाट टू प्लाट सर्वे कराया जाए और किसानों को तुरंत मुआवजा दिलवाया जाए। तो इसके लिए आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर? यहाँ हम लोग एसडीएम साहब को ज्ञापन, मुख्यमंत्री जी को एसडीएम के माध्यम से ज्ञापन देने आए हैं। धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं? हाँ, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। एसडीएम महोदय को मतलब अवगत कराने आए हैं कि हमारे किसानों की फसल बर्बाद हो चुकी है, उसको आप उसको सर्वे करा करके हम लोगों को यथायोचित उसको काम किया जाए। बीमा जो हमारा हाँ, कटता है और बीमा और एक दो चार पांच सूत्री का हमें बीमा का जो है कि बीमा की समस्या जो है कि बीमा कार्ड तो लिया जाता है, लेकिन बीमा हम किसानों को दिया नहीं जाता है और इधर उधर बैंक वाले फराते हैं और उधर का बीमा वाले उल्लू बनाते रहते हैं। हम लोग किसान परेशान होते हैं, किसान को बीमा नहीं दिया जाता है। चार पाँच हज़ार रुपया काट लिया जाता है, बीमा नहीं जाता, पहली बात। दूसरी बात, अन्ना जानवरों की व्यवस्था जो गौशाला का व्यवस्था रखी गई है वो पूर्णतया गलत है। आपके BDO सेक्रेटरी पूरा पैसा खा रहे हैं और जो गौशाला को बनाई नहीं जा रही, गैया मर रही हैं, उसमें भूखन मर रही हैं, भसा नहीं है, वो बेच रहे हैं पैसा, इसलिए उसमें सब गड़बड़ हो रहा है सबका।